Good morning, Mom, Dad. Good morning, Shuga, Jihu. Rose, beta. Ji, Mummy ji. Beta, Jungkook kahan hai? Ji, Devar ji to so rahe hain. Arre, itni der tak so raha hai wo? Jao, use bula kar lao. Nahi, nahi, dadi, main bulati hu na chachu ko. Aap rehne dijiye. Acha, beta, tum jao. Chachu, dadi aapko bula rahi hain. कौन है सुबह सुबह कौन बुला रहा है मुझे चाचू मैं हूँ अरे ना बेटा तू हाँ चाचू दादी आपको बुला रही है आप नीचे आइए ना अच्छा ठीक है बेटा मैं आ रहा हूँ तुम जाओ ओके चाचू जल्दी आ जाना आप गुड मॉर्निंग मॉम डैड गुड मॉर्निंग जंकुक बेटा अच्छा ये बता जंकुक बेटा तू इतना लेट तक क्यों आता है घर में ऐसा कौन सा ऑफिस में काम होता है शुगा और जीवो भी तो है ना वो भी तो टाइम से आ जाते हैं हाँ बिजनेसमैन होने के साथ साथ मैं एक माफिया वर्ल्ड का डॉन भी हूँ कुछ बोला क्या तूने जंकुक बेटा नहीं मॉम मैंने कुछ नहीं बोला अच्छा जंकुक बेटा आज हमारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो तुम अच्छे से काम करना आप टेंशन मत लीजिए डैड मैं पूरी मेहनत से काम करूँगा और वैसे भी शुगा और जीहू भाई भी तो है मेरे साथ हाँ बेटा वो तो है कौन फोन कर रहा है तुझे जंकुक सुबह सुबह अरे तू ढंग से ब्रेकफास्ट करेगा उसके बाद कहीं जाएगा हाँ मॉम मैं करूँगा पर मुझे कॉल तो उठाने दो अच्छा ठीक है तो यहीं पर बात करना फिर हाँ मॉम ठीक है हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर हाँ गुड मॉर्निंग हाँ मैनेजर बोलो क्या हुआ सर वो सर एक आदमी है उसने बहुत परेशान कर रखा है क्यों क्या हुआ सर उसने हमसे 10 लाख कोरियन वॉन ले रखी थी और अब वापस करने का टाइम आया तो वो अपना रोना धोना लेकर बैठ जाता है हाँ तो इसलिए इतने छोटे से काम के लिए मुझे तो कॉल कर रहे हो मैं इतना खाली नहीं हूँ कि मैं इन लोगों से मिलने के लिए चला जाऊँ तो तुम खुद ही हैंडल करो सॉरी सर पर मैं नहीं कर पाऊँगा प्लीज़ आप ही कुछ कीजिए तुम लोग ना किसी काम के लिए हो अच्छा ठीक है मैं अभी आता हूँ ओके सर हाँ तो कहाँ है वो आदमी सर वो सामने उस घर में रहता है तो चलो चलते हैं कौन है सुबह सुबह बेल बजा रहा है अरे जी मैं जाकर देख कौन है गेट पर जी मैं कुछ काम कर रही हूँ जाकर आप देखो हाँ तो मैं कौन सी फ्री बैठी हूँ मैं भी तो काम कर रही हूँ ना अपने ऑफिस का वैसे भी आज मुझे अपनी प्रेजेंटेशन पूरी करके देनी है बॉस को नहीं तो वो मेरा खून पी लेगा अरे अरे बेटा तुम सुबह सुबह क्यों लड़ रही हो मैं हूँ ना मैं जा रहा हूँ ना मैं देखता हूँ कौन है वहाँ पर जी आप कौन किससे मिलना आपको देखो मेरे पास ये फालतू टाइम नहीं है इंट्रोडक्शन देने का तो सुनो तुमने जो मुझसे वो 10 लाख कोरियन वॉन ले रखे हैं ना तो तुम मुझे कब दे रहे हो अरे मैं आपको दे दूँगा आप प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलिए मेरी बेटियाँ सुन लेंगी मेरी वाइफ सुन लेंगी तो बहुत परेशान होगी वो अच्छा तो हम जो इतने दूर से आए हैं अपने पैसे लेने के लिए क्या हमें कोई परेशानी नहीं होती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है प्लीज़ आप थोड़ा टाइम मुझे दे दीजिए हम पक्का आपके पैसे लौटा देंगे देखो पहले ही मेरा बहुत टाइम बर्बाद कर चुके हो तुम और वैसे भी मैं जीवन जंकुक हूँ मैं अपना टाइम इतना बर्बाद नहीं करता किसी के पीछे में अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ देखिए आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए अब तुम कहीं से भी लेकर आओ पर मुझे मेरे पैसे आज ही चाहिए जी आज तो नहीं हो पाएंगे प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मुझे मेरी बेटी की शादी होने वाली है और अभी मैं अपना घर भी नहीं बेच सकता उसकी शादी करने के बाद मैं अपना घर बेच दूंगा और इससे जो भी पैसे मिलेंगे मैं आपको पूरे के पूरे लौटा दूंगा पर अभी मैं घर बेच दूंगा तो मैं अपनी बेटी की शादी कहाँ पर करूंगा मैंने दुनिया का ठिकाना उठा रखा है तुम जो मर्जी करो मेरे पैसे मुझे दे रहे हो या नहीं अरे जिमी पापा अभी तक क्यों नहीं आए हाँ दी अब काफ़ी टाइम हो गया पता नहीं किससे बात कर रही इतना टाइम अच्छा चल मैं देखती हूँ कौन है वो पापा हाँ हाँ थे बेटा
आप इतना टाइम से यहाँ पर क्यों खड़े हो? कौन है वो? कुछ नहीं बेटा, तुम अंदर जाओ। नहीं पापा, मुझे देखने दो कौन है। नहीं नहीं बेटा, कुछ कोई भी नहीं है, तुम अंदर जाओ ना। आप इतनी टेंशन में क्यों हो और आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ अंदर, जाओ ना तुम अंदर। कुछ नहीं हुआ तेरे बेटा, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम अंदर जाओ। ठीक है पापा, मैं जाती हूँ, आप प्लीज जल्दी आना, आपकी चाय ठंडी हो रही है। हाँ हाँ बेटा, मैं आ जाता हूँ अभी, तुम जाओ। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। क्या? कौन सा ऑफर? वो अगर तुम अपनी सारी टेंशन भुलाना चाहते हो, अपना ये कर्जा और अपना ये घर बचाना चाहते हो, तो मेरे पास एक तरीका है जिससे कि तुम पूरी की पूरी परेशानियों से निकल सकते हो। वो क्या है? पहले ये बताओ, ये जो आई थी ये कौन थी, तुम्हारी बेटी? हाँ वो मेरी बेटी है, वो मेरी बड़ी बेटी है। अच्छा, तो तुम मेरी उससे शादी करवा दो, तो तुम्हारे जितने भी कर्जे हैं या तुम्हारी जो भी परेशानी है वो सब मेरी। और हाँ, मैं तुम्हें इतना बड़ा बिजनेस ऑफर दूंगा ना, तुम अपनी सारी परेशानियां छोड़कर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हो, अगर तुमने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाई। ये क्या बोल रहे हो तुम? वो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्यों, क्या मैं लड़का नहीं हूँ? क्या तुम्हारी बेटी लड़की नहीं है? हम दोनों शादी के लायक भी हैं। अगर हम दोनों की शादी हो जाती है तो तुम्हारे साथ साथ हम भी। ऐसा नहीं हो सकता, उसकी शादी तुमसे नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं सकता ऐसा? हम दोनों की शादी हो जाती है तो हमारे साथ साथ तुम भी खुश रहोगे, तो तुम्हारे हाथ में फैसला है तुम्हें क्या करना है। और हाँ, अगर तुम नहीं माने तो तुम्हें पता है मैं एक माफिया हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है उसे मैं, उसकी मर्जी हो या ना हो, उसे तो मैं पा कर ही देता हूँ। तो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम हाँ करते हो तो ठीक है, अगर तुम ना भी करते हो तभी मैं जबरदस्ती तुम्हारी बेटी को अपना बना ही लूँगा। देखो ऐसा नहीं हो सकता, उसकी एक हफ्ते बाद शादी है, उसकी इंगेजमेंट हो रखी है, उसके होने वाले पति को और उसके परिवार को मैं क्या बोलूँगा? वो सब मुझे नहीं पता, तुम मेरी शादी उससे करवा रहे हो या नहीं। अगर तुम नहीं करवा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा उसकी शादी। देखो ऐसा नहीं हो सकता। अरे इसको क्या हुआ? पापा आपको क्या हुआ? पापा उठिए। मम्मा जिमिन मत रो प्लीज, अब पापा ठीक हो जाएंगे, आप डॉक्टर साहब आने वाले हैं, मैं उनसे भी पूछती हूँ क्या हुआ पापा को। हाँ डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे पापा को? आप उनकी बेटी हो? जी मैं उनकी बेटी हूँ, बड़ी बेटी। हाँ उन्हें काफ़ी बड़ा शॉक लगा है और उसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया है। क्या हार्ट अटैक? हाँ, और इसकी वजह से उनके हार्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है और हमें बहुत ही अर्जेंटली उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, अगर नहीं की तो उनकी जान को खतरा है। प्लीज़ आप मेरे पापा को बचा लीजिए। हाँ प्लीज़ प्लीज़ मेरे पापा को बचा लीजिए। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, पर आपको वहाँ पर जाकर उनकी सर्जरी की पहले फीस जमा करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम ऑपरेशन कर पाएंगे। और ऑपरेशन का खर्चा कम से कम 5 लाख कोरियन वॉन है, तो तुम प्लीज जल्दी से जमा करवाओ। जी 5 लाख? डॉक्टर साहब 5 लाख तो नहीं हो पाएंगे, प्लीज आप पहले ऑपरेशन कर दीजिए, हम आपको लौटा देंगे। जी नहीं मैडम, ये हमारे हॉस्पिटल का रूल है, पहले हम फीस जमा करवाते हैं उसके बाद ही हम पेशेंट का इलाज करते हैं। पर डॉक्टर साहब हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मम्मा प्लीज़ मत रोइए, हम कुछ ना कुछ कर देंगे ना। ठीक बेटा, हम इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? और
हमारे साथ कुछ नहीं होगा मम्मा, मैं हूँ ना, मैं कुछ करती हूँ। प्लीज तो कुछ कर, अपने डैड को बचा ले। हाँ मम, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करती हूँ। जिन्हें तो मम्मा का ध्यान रख, मैं अभी आती हूँ। पर जी आप इतने पैसे कहाँ से लेकर आओगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो टेंशन मत ले जिमी, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। मैंने जिमी और मम्मा को तो बोल दिया, पर मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँगी, क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। हे भगवान, प्लीज कुछ मदद कीजिए मेरी, मैं अपने पापा को ऐसे नहीं देख सकती। चलिए सर, हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। वैसे भी इस बुड्ढे से हम पैसे लेने आए थे और इसको हम हॉस्पिटल में लेकर घूम रहे हैं। तुम चुप करो मैनेजर, मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। ओके सर। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम? हाँ, तुमने क्या किया जो मेरे पापा को इतना बड़ा शौक लग गया? पहले मेरे पापा ठीक थे। देखो मैडम, मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे पापा के साथ, मैं तो बस अपने पैसे लेने के लिए आया था। क्या पैसे? हाँ, तुम्हारे पापा ने मुझसे 10 लाख कोरियन वॉन दे रखे और मैं तो बस अपने पैसे वापस लेने आया था। देखो हमारे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। नहीं, मुझे आज ही पैसे चाहिए। पिछले 2 साल से तुम्हारे पापा मुझे ऐसे ही बोल रहे हैं। देखो अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पापा के इलाज के लिए मुझे अभी 5 लाख कोरियन वॉन की ज़रूरत है। मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पर हाँ मेरे पास एक ऐसा ऑफर है जिससे तुम अपने पापा का इलाज भी करवा सकते हो और उसके कर्जे का सारा हिसाब भी ख़त्म कर सकते हो। क्या? हाँ, और तुम्हारे लिए तो मैं ऐसे में हॉस्पिटल 1000 खरीद सकता हूँ, वो भी रोज। अच्छा, मुझे ऐसा क्या करना होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना होगा बेबी, तुम्हें बस मुझसे शादी करनी होगी और उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानियाँ छूमंतर हो जाएंगी। क्या शादी? हाँ शादी, और मुझे पता तुम बोलोगे तुम्हारी शादी होने वाली है, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो तुम्हारी शादी हुई तो नहीं, तो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर दूँगा, तुम्हारे सारे पापा का कर्जा, तुम्हारे पापा का इलाज और बाकी सब मैं संभाल लूँगा। लेकिन कुछ नहीं, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करना चाहती हो। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वाह, बहुत अच्छा डिसीजन लिया तुमने। तुम रो मत, मैं अभी जाता हूँ और हॉस्पिटल का सारा बिल मैं पे करता हूँ, ठीक है? और तुम, और हाँ, ये अपने आंसू बचा कर रखो हमारे कल की फर्स्ट नाइट के लिए, ओके बेबी? ये क्या बोल रहे हो तुम? सही तो बोल रहा हूँ बेबी, अब मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो तुम्हें मुझसे शादी तो कल ही करनी पड़ेगी। लेकिन कल? हाँ बेबी कल ही, तुम कल रेडी रहना मेरी दुल्हन बनने के लिए, ओके बेबी?